किसान भाइयों, आजकल हर ट्रैक्टर के अंदर डिजिटल मीटर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको घंटे दिखाई दे रहे होंगे, 601.3 घंटे। तो इसमें कई सारे भाइयों का सवाल है कि भाई इसके अंदर जो घंटे दिखाई देते हैं वो और जो हमारी घड़ी के अंदर घंटे दिखाई देते हैं वो क्या सेम टू सेम होते हैं या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है, और अगर डिफरेंस रहता है तो कितना रहता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम घड़ी नहीं पहनते हैं या फिर हमारा मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है और हम कहीं बाहर चले जाते हैं ट्रैक्टर चलाने के लिए, तो उसमें हमें सामने वाली पार्टी पे हम कभी कभी भरोसा नहीं कर पाते हैं कि क्या टाइम हुआ। तो इसमें हमें इसके अंदर घंटे हैं वो क्या सेम होते हैं, इसी पे हम भरोसा करके ट्रैक्टर चला सकते हैं, तो वो आज हम लाइव देखेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 601 घंटे लिखे हैं, फिर 3 पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर घड़ी के अंदर देख सकते हैं आप 5:55 हुई है। तो फिर यहाँ पर मैं 1 घंटे चलाऊंगा ट्रैक्टर को और इसके बाद मैं देखूंगा यहाँ पर होगा 602.3 घंटे पे मैं रुक करके फिर टाइम देखेंगे कि क्या सेम घंटों के अंदर ट्रैक्टर चला है। तो फिर हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके और घड़ी के अंदर सेम टाइम होता है। इसके बारे में कई सारे भाइयों की कमेंट थी तो आज मुझे टाइम मिला इसके लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम 601.3 और यहाँ 5:56 हुए, फिर देख लेते हैं, ठीक है। मैं 1 घंटे चलाऊँगा यहाँ पर और इसके बाद में फिर से देखेंगे कि क्या टाइम। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 601.3 और यहाँ पे 5:57 हुए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं अभी। तो भाइयों यहाँ पर 6:54 हो चुके हैं और 602.3 घंटे अभी हाल ही में हुए। तो मतलब कि जो हमने टाइम देखा था वो सेम टू सेम है दोनों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना रहता है इसके अंदर और इसके अंदर में फ़र्क इतना रहता है कि ये जो है वो 0.6 मिनट पे बताता है हमें, और घड़ी और मोबाइल जो है वो 1-1 मिनट पे बताता है, 1 मिनट का हिसाब भी वो दिखा देगा। लेकिन इसके अंदर ये 6 मिनट के बाद में पॉइंट चेंज होता है। यहाँ पर जैसे ये 3 देख रहे हैं आप, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद में सीधा चेंज होता है घंटा, यानी कि 10 पॉइंट होते हैं 1.6 मिनट का, तो टोटल 60 मिनट हुए 1 घंटे के। तो इस हिसाब से होता है इनके अंदर अंतर। बाकी कई सारे भाई जैसे मोबाइल के भरोसे ट्रैक्टर चलाते हैं और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो इसमें आप इसके भरोसे भी ट्रैक्टर चला सकते हैं। लेकिन जो भाई टाइम टू टाइम इस पॉइंट का ध्यान रखता हो, जैसे कि अभी 3 हुआ, ट्रैक्टर खेत में लगाते समय भी 3 है और उसके बाद में निकालते समय जैसे ही 3 हुआ उसके बाद में निकला, नहीं तो 6 मिनट का अंतर रह जाएगा। ये 4 आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 6 मिनट खड़ा हूँ, तो इसीलिए खड़े ट्रैक्टर में भी ये पॉइंट चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि चलते ट्रैक्टर में ही ये पॉइंट चेंज होगा, खड़ा रहा ट्रैक्टर फिर भी ये पॉइंट चेंज होता रहेगा, घंटे हमारे चेंज होते रहेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर घंटे चेंज होते हैं, घंटे जो है वो सेम टू सेम दिखाई देते हैं। कई सारे भाइयों का ये सवाल था तो ये सवाल हो गया क्लियर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भाई की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर ट्रैक्टर से जुड़ी हर खबर सही मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।